नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम अक्षत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे आप अपने जीवन की हर एक दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ आपकी हर दुविधा का समाधान मिल सकता है और यहाँ आचार्य जी आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे आपके जीवन के वो तमाम सारे परेशानियाँ दूर होंगी, क्योंकि दर्शकों कष्ट चाहे कैसे भी हो समाधान एक ही है और वो है ज्योतिष विज्ञान। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या ये संभव हो सकता है, अगर हाँ तो फिर कैसे। तो चलिए, इन सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी यहाँ पर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है, साथ ही साथ जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बुध मंगल युति और उसके शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में। तमाम सारी जानकारी आचार्य जी से जानेंगे, आप लोगों के सवाल यहाँ पर लेंगे और आचार्य जी उन सवालों को देख करके आपकी डिटेल्स के माध्यम से कुंडली आपकी देखकर आपको बताएंगे क्या कुछ कारण आपकी परेशानियों का है और साथ ही साथ आपको निवारण भी बताएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी कष्ट बाधाएं आपके जीवन में लगातार बने हुए हैं उनका यहां पर अगर आप निदान चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस मेल आईडी पर आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं और यहां पर हमारी कोशिश रहती है कि लाइव सेशन में हम आपके सवाल जरूर लें। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के राशिफल को लेकर। पहली चार राशियां मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। आचार्य जी से जानते हैं चार राशियों का आज का राशिफल। मेष राशि वाले, आज कुछ मानसिक चिंताएं आपको घेर सकती हैं, मन आपका विचलित हो सकता है। गौ माता की यदि सेवा करेंगे तो इस समस्या से आज निजात मिल जाएगी। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर 40% आपको सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, आर्थिक दृष्टि से दिन बेहतरीन है, आज जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता और धन लाभ होना तय है। किसी गरीब महिला को या किसी गरीब को जल का दान करेंगे तो बेहद शुभ रहेगा दिन आपका। भाग्यशाली संख्या है 2 और भाग्य का मीटर 70% आपको सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, आज का दिन सामान्य होता शाम तक बेहतर हो जाएगा। आपको अपनी वाणी पर आज संयम रखकर सबसे बात करनी है, मां लक्ष्मी की आराधना करने से दिन शुभ होगा। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर 50% आपको सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज आपका भाग्य प्रबल है, आज राशि स्वामी आपको पद और प्रतिष्ठा दिलवाने वाले हैं, शनि देव की आराधना करना आपके लिए विशेष लाभकारी है। भाग्यशाली संख्या है 7 और भाग्य का मीटर 60% आपको सहयोग करेगा। तो बिल्कुल, यहाँ आचार्य जी ने पहली चार राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। जैसा कि पहले दर्शकों हमने जिक्र किया था, लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है, किसी भी प्रकार का आपका कोई सवाल है तो आप भेज सकते हैं। आचार्य जी प्रश्न यहाँ पर लेना चाहेंगे। पहला प्रश्न जो हमारे पास आया है वो है राहुल का, बरेली से। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने अपनी माँ की भेजी है, अपनी माता जी की, 25/10/1960 और समय है 9:15 सुबह का। प्रश्न इनका है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, लिवर की प्रॉब्लम है उन्हें, आप कुछ उपाय बताइए जिससे ये ठीक हो सके। लगातार मेडिसिंस चल रही हैं, कई सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं लेकिन उस तरीके से सुधार नहीं है, क्या कुछ उपचार करना चाहिए। आइए इनकी माता जी की कुंडली पर चलते हैं। इनकी माता जी की कुंडली वृश्चिक लग्न और धनु राशि की है। वृश्चिक लग्न है यदि तो छठे भाव में भी मंगल की राशि आएगी। सबसे पहले छठे भाव को ही देखना होगा जो कि रोग भाव है।
छठे भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि अष्टम भाव में चले गए हैं। छठे के मालिक का अष्टम भाव में जाना मतलब रोगों का बढ़ना और लंबे रोग जीवन में आना ये तय होता है, और ऐसी मेडिसिन लेना जो आजीवन व्यक्ति को खानी पड़ जाती है। और लीवर की आपने प्रॉब्लम बताई है, उसके लिए गुरु की स्थिति को देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु कारक हैं लीवर के। गुरु इस कुंडली में द्वितीय भाव पर केतु के नक्षत्र पर विराजमान हैं। केतु जो कि रोग कारक प्लैनेट है, रोग देते हैं, बड़े रोग देते हैं, और ऐसे रोग देते हैं जो शरीर में कहीं छुपे हों और जल्दी उनका डायग्नोस ना हो सके। गुरु की दशा भी चल रही है, सभी स्थितियां खराब हैं। आपको करना क्या है, हनुमान जी की उपासना करनी है। हर मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ इनके हाथ से, इनके सिर से घुमा के या पूरी बॉडी से घुमा के गरीबों को दान करना है। हनुमान जी का तिलक इन्हें रोज लगाना है। बजरंग भांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ आपके घर में पूरे दिन में कम से कम 6 या 7 बार बजते रहना चाहिए, या किसी भी माध्यम से वो ध्वनि चलती रहनी चाहिए। यदि ये कार्य करेंगे तो रोगों का शमन होगा। साथ साथ कुत्तों की सेवा हर मंगलवार और हर शनिवार को करें, जल्दी इनको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, जो भी उपचार या आचार्य जी ने बताए हैं अवश्य करिएगा, जल्द ही आपकी समस्या का समाधान होगा। आगे दर्शकों बात करेंगे सिंह कन्या तुला वृश्चिक राशियों को लेकर। आचार्य जी से जानते हैं इन 4 राशियों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले, आज वरिष्ठ अधिकारियों को आपको ऑफिस में सहयोग प्राप्त होने वाला है। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कबूतरों को यदि दाना डालेंगे तो दिन की शुभता और अधिक हो जाएगी। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर आज 65% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। किसी नए व्यक्ति से आज व्यापारिक दृष्टि से जो दिन बनेगा बेहद शुभ रहेगा। व्यापार आज आपका बढ़ेगा। मां सरस्वती की आराधना करना आपके लिए विशेष लाभकारी है। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर आज 65% आपको सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, आज खर्चों में बढ़ोतरी होती दिख रही है, लेकिन घर में कोई अच्छा गैजेट या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ आज आप अवश्य खरीद सकते हैं, उसके लिए दिन शुभ है। परिवार के साथ आज शाम को समय अवश्य बिताएं। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर आज 55% आपको सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आज कुछ व्यापारिक और नौकरी में परेशानियां आती दिख रही हैं, जो किसी अपने के द्वारा ही डाली जाएंगी, इस चीज के लिए सचेत रहिए। लेकिन वाहन खरीदने के लिए दिन आज शुभ है। भाग्यशाली संख्या है 2 और भाग्य का मीटर आज केवल 45% सहयोग करेगा। तो यहाँ आचार्य जी ने अन्य 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। आचार्य जी, इसके बाद हम जानना चाहते हैं बुध मंगल युति को लेकर कि कुंडली में अगर ये युति बनती है तो उसके शुभ और अशुभ प्रभाव क्या कुछ हो सकते हैं, और अगर अशुभ प्रभाव होते हैं तो उसका क्या कुछ उपचार किया जा सकता है। धन्यवाद आपका। बुध और मंगल की युति, बुध जो बुद्धि के प्रतीक हैं, वाणी के प्रतीक हैं, मंगल जो साहस के प्रतीक हैं। बुद्धि और साहस का मिलन क्या कहता है ये जानते हैं। ज्योतिष में मंगल ग्रह को क्रोध, साहस और पहल करने के लिए, व्यक्ति अग्रेसिव होता है, हर चीज़ को जल्दी करना चाहता है, जो किसी भी विशेष स्थिति में जीत को हासिल करना चाहता है उसके लिए शक्ति प्रदान करता है, ये मंगल की स्थिति कुंडली में दर्शाती है। यदि किसी भी जातक की इच्छा शक्ति, ऊर्जा या घटना को के प्रति उसकी क्षमता को देखना है तो उसकी मंगल की स्थिति को देखना बेहद आवश्यक है। वहीं ज्योतिष में बुध अच्छे संचार कौशल के साथ साथ बुद्धिमता और हास्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके प्रभाव से जातक के पास परिस्थितियों के आधार पर सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। वो वैदिक गणना और ज्योतिष गणना में माहिर होता है। कुंडली में मंगल व बुध का सकारात्मक संयोजन से जातक को भाषण लेखन, आक्रामकता के माध्यम से तकनीकी संचार में अच्छी रुचि प्राप्त होती है। भाषण व लेखन का प्रतिनिधित्व करता हुआ
व्यक्ति एक मजबूत और दृढ़ शक्ति वाला होता है। लड़ने का साहस और जीतने की शक्ति उसके अंदर विराजमान रहती है। इन गुणों के साथ जातक बुद्धिमान, तार्किक और लेखन की क्षमता उसके अंदर बहुत अधिक पाई जाती है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को वो अच्छे से देखता है। ये ऐसा व्यक्ति एक अच्छा प्रवक्ता, एक अच्छा वकील और अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जीवन में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करता है। मंगल व बुध के अच्छे प्रभाव से आपकी समृद्धि और आपका व्यवसाय दोनों ही बढ़ते हैं। बुद्धि से आप काम लेते हैं और जीवन में बड़ी सफलता अर्जित भी करते हैं। लेकिन बुरे प्रभाव यदि इस कुंडली पर पड़ जाएं, राहु शनि की दृष्टि हो, तो इसमें समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, मंगल और बुध के उपाय क्या हैं? लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने शयन कक्ष में रखनी चाहिए, यदि आपको मंगल के ठीक प्रभाव ना मिल रहे हों तो। मसूर की दाल मंगलवार को गरीबों को दान करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों का तिलक लगाना चाहिए। साथ साथ बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। अपने घर में लाल पुष्प, लाल पौधे लगाने चाहिए। और बुध के लिए आपको क्या करना है, घर में तुलसी के पौधे की स्थापना करनी चाहिए। बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ियां किन्नर को भेंट करनी चाहिए। हरा चारा और हरी सब्जियां गरीबों में बांटनी चाहिए और गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी तमाम सारी जानकारी के लिए। तो यहाँ आचार्य जी ने तमाम सारी जानकारी के साथ में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर। आचार्य जी से जानते हैं चार राशियों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज भावनात्मक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, लेकिन आपको सलाह दी जाती है किसी वजह से इमोशनल बिल्कुल मत होइएगा, अन्यथा कोई आपका आज फायदा उठा सकता है। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना आपके लिए विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है एक और भाग्य का मीटराज 70% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, मानसिक तनाव आज रह सकता है, कुछ शारीरिक समस्याएं भी आती हुई दिख रही हैं। घर पर रहें, संयम से रहें, तुलसी माँ के आगे शाम को दीपक अवश्य जलाएं। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटराज 65% आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज दिनचर्या में कुछ बदलाव होता दिख रहा है। यदि कुछ स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। हनुमान जी को लाल पटका, लाल सिंदूर भेंट करना आज आपके लिए विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटराज 80% आपको सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, आज आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। यदि खाने पीने का काम में जो लोग हैं, जो फूड ग्रेन की आइटम्स का काम करते हैं, उनके लिए आज दिन बेहद शुभ है। विष्णु जी को पीले वस्त्र भेंट करेंगे तो दिन की शुभता बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या है 9 और भाग्य का मीटराज 90% आपको सहयोग करेगा। तो यहाँ आचार्य जी ने आखिरी चार राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों, वक्त हो गया है बर्थडे टिप्स का और इसमें जानेंगे जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज पीपल के पेड़ को गंगा जल से सींचे, एक दीपक वहां जलाएं। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा वर्ष खुशियां और सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। इसके बाद बात करेंगे मैरिज एनिवर्सरी टिप्स में, जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए। जिनकी भी शादी की सालगिरह है दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज धर्म स्थान के बाहर बैठे गरीबों को दूध का दान करें, हो सके तो उसमें शक्कर मिला दें। यदि ऐसा करेंगे तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशी आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। और इसके बाद बात करेंगे अवॉइड ऑफ द डे में, यानी आज के दिन आपको कौन सी चीज अवॉइड करनी है, आइए जानते हैं। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन आपको
लौकी का प्रयोग खाने में बिल्कुल नहीं करना है, ये आज आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। और जाते जाते दर्शकों को बात करेंगे टिप्स ऑफ द डे में, ऐसे टिप जो आप सभी लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। टिप्स ऑफ द डे में आज सफेद दाल गरीबों को या धर्म स्थान पर दान करें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी आपका गुजरेगा। इसी के साथ ही दर्शकों समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार और सहयोग के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।